नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूडे की चैनल में हूं शंकर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूडे की हिंदी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सिंपल है, जो कोई टॉपिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो है 31 दिसंबर 2018 से जो है आपकी पेटीएम की जो है केवाईसी जो है चालू हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। तो आप अपनी पेटीएम की केवाईसी करा लीजिए, और केवाईसी से पहले आपको मिनी केवाईसी करानी होगी। तो आज इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं कि केवाईसी कैसे करें, मिनी केवाईसी क्या होती है, कैसे करें इसको मिनी केवाईसी को, और क्या क्या ऑफर्स हमें मिलेंगे, तो किस तरह से हम केवाईसी कर सकते हैं, फुल केवाईसी कैसे करें, इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने दी सुना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं कमेंट भी करते हैं, वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए थोड़ा बेनिफिट हमें हो, थोड़ा आपको हो, तभी जो है हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे से आगे आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो ला सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेटीएम पर चलते हैं। मेरा पहले से जो है पेटीएम ऑन है, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर जो थ्री लाइंस आपको दिख रही है, थ्री डॉट्स नहीं थ्री लाइंस है, उस पर आपको नीचे दिख रहा होगा 24x7, यानी दिन के 24 घंटे हफ्ते के 700 दिन। इसका मतलब होता है दिन के 24 घंटे हफ्ते के 700 दिन, 24x7 हेल्प। इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या करना होगा, आपको सिंपली नीचे ड्रैग करके जाना है, और यहाँ से आपको जो है लिखा हुआ है मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस पर क्लिक कर देना है। और नीचे लिखी हुई आ रही है पेटीएम केवाईसी, पेटीएम केवाईसी पर सिंपली आपको क्लिक, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, बीपीपीसी हेल्प पर क्लिक कर दिया। इसको बैक चलते हैं, और हम सिंपली बैक चलते हैं, वापस थ्री डॉट्स पर चलते हैं, और 20 इस पर चलते हैं वापस, और उसके बाद में हम फिर से जो है मोर पर क्लिक कर देते हैं सिंपली। और उसके बाद में आपको क्या करना है, पेटीएम केवाईसी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप डायरेक्टली ऐसे केवाईसी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जानते हैं केवाईसी के रूल्स कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आज के टाइम पर। आपको ऊपर लिखा हुआ आई वॉन्ट टू डू केवाईसी, तो आपको लिखना है सिंपली क्लिक करना है आई वॉन्ट टू डू केवाईसी पर। उसके बाद लिखा आई वॉन्ट टू डू मिनी केवाईसी, आई वॉन्ट टू डू कंप्लीट माई फुल केवाईसी, तो आई वॉन्ट टू डू मिनी केवाईसी पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट के नंबर मांगेगा, मैंने पहले से की हुई है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर मिनी केवाईसी। उसके बाद में आपको कुछ आपके जो है डॉक्यूमेंट के नंबर मांगे, जैसे पैन कार्ड हुआ, और कुछ भी जो भी मतलब पहचान पत्र वगैरह हुआ, आई डी कार्ड वगैरह जो भी हुआ, वो उसके नंबर मांगे। देखिए मेरे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से आधार कार्ड के नंबर अब नहीं चलने वाले, शायद मिनी केवाईसी में तो चल सकते हैं लेकिन कंप्लीट केवाईसी में नहीं चलेंगे। तो अब आधार कार्ड को जो है बहुत ही बैन कर दिया गया है, अब आपको पैन कार्ड देना होगा, क्योंकि यार इसके रूल्स काफी, क्योंकि इसका जो ट्रांजेक्शन है सभी क्षेत्रों में होने लगा है पेटीएम का, तो इसको बहुत ही सेफ रखना जरूरी है। तो केवल आधार कार्ड के लिए जरूरी नहीं, आपको दो फोटो भी लेकर चलनी होगी। उसके बाद में क्या करना होगा, आपको फुल केवाईसी के लिए आई वॉन्ट टू डू माई कंप्लीट केवाईसी। उसके बाद में आपको क्या होगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगी, तो आपको इस लोकेट नियर बाय केवाईसी सेंटर, तो यहाँ से आपको लोकेट करना है। और इस तरह से देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसमें आपको पिन कोड सहित बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है केवाईसी सेंटर है, वहां से आप अपनी फुल केवाईसी करवा सकते हैं। वो भी अपने जो है आपको क्या लेकर जाना है, दो फोटो लेकर जाने होगा, अपना पहचान पत्र है, पैन कार्ड का नंबर लेकर जाना होगा। अब आपको आधार कार्ड से काम नहीं चलने वाला है, और वहां से जाकर आप अपनी कंप्लीट केवाईसी करा सकते हैं, और मिनी केवाईसी, कंप्लीट केवाईसी से पहले मिनी केवाईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनी केवाईसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। पहले मिनी केवाईसी मतलब छोटा स्टेप चलिए, उसके बाद में लास्ट सीडी पर आपको चढ़ाया जाता है। तो आप कंप्लीट केवाईसी जो घर बैठे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपका अंगूठा भी लगेगा, आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए, उसके बाद में क्या पैन कार्ड नहीं तो और पहचान पत्र आईडी कार्ड चुनना, वो जो भी लगता है वोटर आईडी कार्ड वो भी आप इसमें चलेगा। तो आप जाइए केवाईसी सेंटर पर, वहां पर आपको जो है करना होगा, जाना होगा, वहां से अपने कंप्लीट केवाईसी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।